व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं, बूझे वाला बूझा था। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया, कहना उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में, पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में बातचीत हुई है, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए। देखिए, सदन से बाहर निकलते हैं तेजस्वी यादव और भोजपुरी अंदाज में बोल देते हैं कि बूझे वाला बूझा था। अब देखने वाली बात होती है कल सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच में किस तरीके से नोक झोंक हो गई थी सदन के अंदर। उसके बाद तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और सम्राट चौधरी पर खूब बरस जाते हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कह दिया है तेजस्वी यादव, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, हम लोग लगातार जो है सदन चलाना चाहते हैं और सदन चला भी रहे हैं, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको भी हम लोगों को, विपक्ष को अधिकार है कि उन मुद्दों को भी हम लोग जो है सदन में उठाने का काम करें। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने बिहार में आरक्षण के सवाल को उठाने का काम किया, और आरक्षण के सवाल को तो हम लोगों ने उठाया, लेकिन सरकार द्वारा जो है कोई भी जो है सही जवाब जो है, संतोषजनक जवाब जो है हम लोगों को नहीं मिला। आज हम लोगों के साथियों ने, सभी लेफ्ट पार्टियों ने, माले के लोगों ने, आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने, जो देश में सबसे उज्ज्वलंत मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, इसको हम लोगों ने उठाया, लेकिन स्पीकर साहब ने हम लोगों को वक्त नहीं दिया इस पे कोई बात करने को, और सीधे जो है खारिज कर दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से साजिश है देश में नफरत फैलाना। ये पूरी तरीके से जो वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, ये असंवैधानिक बिल है, और इसका विरोध हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी किया, सड़कों पर भी करेंगे, और बिहार में विधानसभा में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर जो है ये बिल जो है असंवैधानिक बिल, इसको हम लोग पास होने नहीं देंगे। हालांकि ये मुद्दा जेपीसी में है, वहाँ हम लोग अपने दल के तरफ से, हम लोग मजबूती के तरफ, मजबूत तरीके से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार का एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना। और इस देश की खूबसूरती ही डाइवर्सिटी है, देश की खूबसूरती डाइवर्सिटी है, इसलिए किसी भी प्रकार से जिस प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही है, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों के समक्ष कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया, और असत्य कहना, झूठ कहना उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें कर, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे, पहली बार तो लालू जी ने इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ, आज सम्राट जी को याद है कि नहीं है, जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके, मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने
12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया था, और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से एससी एसटी ओबीसी आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी देवी जी की सरकार ने बनाया था, कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए। आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में बीपी सिंह जी को गाली खाना पड़ा, यह जानना चाहिए इतिहास। शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा, अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा जुमा, ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे, या संगत का सर है या पार्टी का सर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। आप कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन कीजिए ना, आप तो बड़े टूट गया। और जाति जनगणना के हिसाब से जो है उसमें बहुजनों की जो आबादी है वो 85% है, अगर 65% हम लोगों ने दिया है तो उसको 75 करे या 85 करे। अब तो 100 भी कर सकते हो ना, जब केंद्र सरकार ने जब बैरियर तोड़ दिया AWS में, तो करने के लिए तो कर ही सकते हैं। तो हम लोगों की ये है, और वक्त बोर्ड को लेकर के हम तमाम विपक्षी दल इंडिया अलायंस के लोग एकजुट है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं और दिल में गॉडसे को बसा के रखते हैं, ये सच्चाई है। ललन सिंह जी ने वक्त बोर्ड का खुल करके जो है समर्थन किया पार्लियामेंट में, और इतना बड़ा मसला है मुख्यमंत्री एकदम चुप्पी साध रखे। अब आएंगे भी तो बोलेंगे, तो बोलेंगे तो कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर होता है ना, पार्लियामेंट में तो वहां सपोर्ट कर दिया गया। अभी भी वक्त है नीतीश कुमार जी के पास कि किसी भी प्रकार से, अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं मुख्यमंत्री जी, आप गांधी जी के विचारधारा में विश्वास करते हैं, तो किसी भी कीमत पे इस बिल का आप समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके नेताओं ने आपके निर्देश पे पार्लियामेंट में इसका समर्थन किया है, लेकिन अभी भी है, अपनी गलती को सुधारें। मुख्यमंत्री की सेहत की चिंता आप भी खूब करते हैं, और आज मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित थे, इशारों में काफी बातचीत हो रही थी, हमसे बात हो रही थी। देखिए हम तो देखिए हमने आपको शुरू दिन से हम कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पे हम तो मुख्यमंत्री का सम्मान करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है उनकी ना तो कोई विचारधारा है ना तो कोई नीति है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये तो बात साफ है, एक बार हम थोड़ी कहे हैं, तो इसमें थोड़ी है कि मारा पीटी करेंगे। अच्छा, लेकिन आज चिंता कर रहे थे मंत्री, कुछ पूछ रहे थे आपसे मुख्यमंत्री जी, इशारे में कुछ कुछ कहते रहते हैं तो हम लोग भी इशारे में कहते रहते हैं, बूझे वाला बूझा था। तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव इशारों ही इशारों में काफी कुछ बोल दिए हैं, इशारों इशारों में काफी कुछ संकेत भी दे दिए, क्या कुछ कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हमने आपको वो तमाम बयानों को भी सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ, धन्यवाद।